और मैनपुरी से प्राथमिक विद्यालय नगला पचैना विकास खंड के घिरोड़ जिला मैनपुरी में मनाया गया शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जमील अहमद ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। तत्पश्चात महान व्यक्तित्व श्री राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बता दें, जमील अहमद खंड विकास अधिकारी घिरोर ने बताया कि उनका दार्शनिक योगदान, शैक्षणिक सुधार, शैक्षणिक प्रतिबद्धता, विचारशीलता और नैतिकता हम सभी के लिए अमूल्य है। भारतीय समाज एवं शिक्षा के लिए उनका योगदान एक अमूल्य धरोहर है जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के स्वच्छता कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अपने आसपास के लोगों से संपर्क स्थापित कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। छात्र छात्राओं ने बताया कि हम सफाई के प्रति जागरूक रहकर ही स्वस्थ एवं निरोगी रह सकते हैं। कार्यक्रम के समापन में प्रधानाचार्य रणवीर सिंह ने कहा कि हम सभी को राधा कृष्णन जी के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य माधुरी देवी व पूर्व माध्यमिक विद्यालय अचलपुर, प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह प्राथमिक विद्यालय जितेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान सुरेंद्र देव सैनी ओछा आदि सभी शिक्षक साथी उपस्थित रहे। कि जिस प्रकार से आज सभी पूरे भारत वर्ष में राधा कृष्णन जी के नाम पे, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने, जिनको हम सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम से भी जानते हैं। सर्वपल्ली इसलिए क्योंकि वो सर्वपल्ली गाँव के वहीं के मूल निवासी थे, तो उनके गांव का नाम उनके नाम के आगे जोड़ा जाता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच से भी कुछ ऐसे अध्यापक हमारे बेसिक के निकल के आएँ, जो अपने अध्यापक पद की जो सेवाएं हैं, जो उनका अवधि है, उसमें कुछ ऐसा बच्चों के लिए कर दें ताकि उनको भी जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें लोग हमेशा के लिए याद रखें। तो हम आपसे आशा करते हैं कि जो बेसिक शिक्षा विभाग की जो योजना चल रही है बच्चों के अधिगम स्तर को लेके निपुण भारत अभियान, उसके अंतर्गत आप सभी लोग जो भी दिशा निर्देश आदेश हैं उनका पालन करते हुए और अपने ओर से भी जो आपकी कुछ अनुभव हैं, आपके स्वयं की कक्षा शिक्षण के अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, जिनसे परिणाम आधारित कक्षा शिक्षण हम लोगों को प्राप्त होता है, ऐसी कक्षा शिक्षण की विधियों को अपनाते हुए आप लोग कक्षा शिक्षण करें। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ गरीब परिवार के ज़्यादातर आज के डेट में बेसिक शिक्षा विभाग में आ रहे हैं, उनको हम गुणवत्ता युक्त अच्छी शिक्षा उन्हें प्रदान कर सकें। शिक्षकों के लिए इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं हो सकता है कि यदि हमारे बीच के कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ के और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, उनका जीवन अगर हम उज्ज्वल करने में सफल होते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार और सबसे बड़ा सम्मान ये है। तो सभी को इसी के साथ हम धन्यवाद देते हुए और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को तो इस कार्यक्रम के लिए विद्यालय के जो अध्यापक है उनकी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। साथ ही ग्राम प्रधान महोदय के द्वारा इस विद्यालय में कायाकल्प के अंतर्गत जो भी कार्य कराए गए हैं, जिससे विद्यालय का परिवेश एक सुंदर परिवेश बना है और बच्चों को यहाँ पे शिक्षण प्राप्त करने में, शिक्षा ग्रहण करने में आनंद की अनुभूति होती है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, समस्त ERP और वरिष्ठ संकुल शिक्षक एवं अन्य प्रधानाध्यापक और अध्यापक जो अन्य विद्यालयों से आए हुए हैं, उन्होंने इस विद्यालय को जो बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए उनका कोटि कोटि आभार। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यवस्थाएँ या जो अनियमितताएँ हमारे द्वारा इस विद्यालय में अगर आपको लगी हूँ कुछ छोटी मोटी भूलती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे से प्रयत्न करूँगा कि सभी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से संचालित हों और एवं सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद और सभी से आग्रह है कि कृपया भोजन करके जाएँ। दिवस है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षक दिवस का उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षण का कार्य करते हैं और बच्चों के भविष्य जो उनके ऊपर निर्भर है, तो उनको एक इससे मोटिवेशन मिलता है कि जो हमारे अच्छे अध्यापक हैं उनको सम्मान भी किया जाता है और उनको प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शिक्षक जीवन रहा है, उनसे वो प्रेरणा लें और अपने जो बच्चे हैं उनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने में अपना योगदान दें।